अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आवर टॉपिक इज टाइप एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इन ईयर डेली। रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप डिस्क्राइब द रिलेशंस बिटवीन द टू एंटिटीज। रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप दो एंटिटीज को आपस में रिलेट करता है। अगर दो एंटिटीज आपस में एसोसिएट कर रही हैं तो वो दोनों को हम रिलेट करेंगे थ्रू रिलेशनशिप के। और सिंबल रिलेशनशिप का एक डायमंड सिंबल होता है, उससे उसके थ्रू हम दो एंटिटीज को आपस में रिलेट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, वीक रिलेशनशिप। अब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज कैसे हो सकता है? जब दोनों एंटिटीज की अपनी अपनी प्राइमरी कीज हो, यूनिक कीज हो, ठीक है, जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती हैं। जैसे मैं कह सकती हूँ कि एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों हैं, ठीक है। टीचर टीच द स्टूडेंट, ठीक है, दोनों के दरमियान टीच का रिलेशनशिप आ रहा है। स्टूडेंट की अपनी प्राइमरी की है और टीचर की अपनी प्राइमरी की है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है। वीक रिलेशनशिप क्या हो सकता है? वीक रिलेशनशिप हम कह सकते हैं कि ये बिटवीन होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी के और वीक एंटिटी के। कैसे? वीक रिलेशनशिप हम कह सकते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें कहते हैं कि एक क्लास है और एक स्टूडेंट है, ठीक है। हम लोगों ने स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करना है क्लास में। अगर क्लास नहीं होगी तो हम स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई जो है स्टूडेंट इज अ वीक एंटिटी, क्योंकि स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करना है। विदाउट क्लास हम स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। स्टूडेंट डिपेंड है किस पर? क्लास पर। तो इसलिए इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो वीक रिलेशनशिप होगा। क्यों? क्योंकि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड है, ठीक है। जो सिंबल है वो वीक एंटिटी का, वीक रिलेशनशिप का, सॉरी, वो ये है कि डबल लाइन डायमंड के थ्रू हम दोनों के दोनों को रिलेट आपस में करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है जी? द नंबर ऑफ एंटिटीज इन अ रिलेशनशिप इसका डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। जितनी जो है एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट होते जाएंगे हम उन्हें डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कहेंगे। द रिलेशनशिप ऑफ डिग्री टू आर मोस्ट कॉमन एंड ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी रिलेशनशिप। जो ज्यादातर यूज होता है रिलेशनशिप की डिग्री वो टू है। The types of relationship with respect degree are as follow: unary relationship means degree 1, binary relationship means degree 2, ternary relationship means degree 3. सबसे पहले मैं आपको binary relationship करवाऊंगी। अच्छा, binary relationship क्या है? binary relationship means degree 2. इसमें तीन types आ जाती हैं: 1-to-1 relationship, 1-to-many relationship, many-to-many relationship. और 1-to-1 relationship क्या है? एक कंट्री है, उसका प्रेसिडेंट है। एक कंट्री का, कंट्री हैज प्रेसिडेंट। वन कंट्री हैज ओनली वन प्रेसिडेंट। यस, एक कंट्री का एक ही प्रेसिडेंट हो सकता है और एक प्रेसिडेंट एट अ टाइम एक ही कंट्री का हो सकता है। इसी तरह अगर हम चेयरमैन करें और डिपार्टमेंट, एक चेयरमैन एट अ टाइम एक डिपार्टमेंट को रन कर सकता है और एक डिपार्टमेंट एट अ टाइम एक डिपार्टमेंट को एट अ टाइम एक चेयरमैन रन कर सकता है। इसी तरह मैनेजर है, मैनेज कर सकता है ब्रांच को। एक मैनेजर एक ब्रांच को मैनेज कर सकता है और एक ब्रांच को जो मैनेज कर सकता है एक मैनेजर ही कर सकता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो ये रिप्रेजेंट करते हैं डिजाइन, ये लॉजिकल डिजाइन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसी रिलेशन को, 1-to-1 रिलेशन को टेबल्स में डालें, टेबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें, तो कैसे कर सकते हैं? इस हर सिस्टम को क्रिएट करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। इसी तरह हम लोग ERD का जो होता है उसको जिस सिस्टम में डालेंगे वो SQL है, ठीक है, उसके थ्रू हम आपको रिप्रेजेंट करवाएंगे। अच्छा, अब 1-to-1 रिलेशनशिप को हम SQL में, SQL के टेबल्स में कैसे डालेंगे? यहाँ तो बहुत इजी है समझना कि एक कंट्री का एक प्रेसिडेंट होता है और एक प्रेसिडेंट जो है सिर्फ एक ही कंट्री का हो सकता है। लेकिन टेबल में किस तरह डालेगा? टेबल में इस तरह डालेगा, एक कंट्री है, प्रेसिडेंट का एक कंट्री का टेबल होगा बिकॉज इट्स अ एंटिटी एंड प्रेसिडेंट इज अ एंटिटी, ठीक है, एक प्रेसिडेंट का टेबल होगा। अब मैंने कंट्री के एट्रीब्यूट्स क्या डाले हुए हैं? C-Dash जो ID है इसका मीन है कि कंट्री का ID, ठीक है, प्राइमरी की मीन इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करिए इस कंट्री को, ठीक है, कंट्री नेम हो गया।
अच्छा कंट्री नेम सेम हो सकते हैं लेकिन कंट्री आईडी सेम कभी भी नहीं हो सकती, इसीलिए कंट्री को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू आईडी के। इसी तरह प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की आईडी हो गया, प्रेसिडेंट का नेम हो गया, ठीक है। अच्छा अब जो इधर जो है हमारे पास तीन टेबल्स बनेंगे, एक कंट्री का टेबल बनेगा, एक हैज का टेबल बनेगा, एक प्रेसिडेंट का टेबल बनेगा, ठीक है। अब कंट्री का टेबल हम लोगों ने बना लिया, प्रेसिडेंट का टेबल बन गया, अब हैज का भी टेबल बनेगा। जो रिलेशनशिप जो हमारे पास है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है वो 1:1 है। तो अब इसके जो हम लोगों ने टेबल बनाना हैज का वो क्या है जी, 1:1। अब जो मेडेटरी होते हैं रिलेशनशिप के, जो टेबल रिलेशन का जो टेबल होता है उसमें मेडेटरी होता है 2 कीज। वो कौन सी की होती है, वो एक होती है जी जो एक टेबल की जो फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की होती है वो एज अ यहाँ फॉरेन की काम करती है, और दूसरे टेबल की भी प्राइमरी की एज अ फॉरेन की यहाँ काम करती है। ये रेफरेंस है कंट्री के टेबल से, कंट्री आईडी इज अ रेफरेंस ऑफ कंट्री टेबल, ये प्राइमरी की काम करती है। और जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की आईडी है वो हम लोगों ने रेफरेंस लिया हुआ है प्रेसिडेंट के टेबल की प्राइमरी की, और यहाँ एज अ फॉरेन की काम कर रही है, ये मेडेट्री होता है, ठीक है। रिलेशनशिप के टेबल में मेडेट्री होता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, दो चीजें देखनी है, क्या हमारे रिलेशनशिप में कोई प्राइमरी की बन रही है, क्या हमारा जो है टेबल्स रिड्यूस हो सकते हैं। चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले हैज के टेबल में कंट्री आईडी क्या है, C1, C2, C3, ठीक है। प्रेसिडेंट आईडी क्या है, P1, P2, P3। रिलेशनशिप बिल्कुल सही हमारा श्योर है, क्यों, क्योंकि हम लोग को हमारा रिलेशन है 1:1, वन कंट्री हैज वन President. C1 country has one president. The name of that president is P1. Mean Arif Alvi is the president of Pakistan. ठीक है। इसी तरह C2, P2 means India का जो president है वो रामनाथ कोविंद है। इसी तरह America का जो president है वो Donald Trump है। हमारा relationship बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब क्या primary की इस table की क्या हो सकती है, है इसके primary की डेफिनेटली यूनिकली आइडेंटिफाई करती है अपने टेबल को। इसमें जो कंट्री का टेबल है वो उसकी जो एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो रही है, और जो प्रेसिडेंट के की जो है वो की है वो भी नहीं रिपीट हो रही वैल्यूज। तो इन दोनों को हैज के टेबल में हम लोग, जाहिर है प्राइमरी की तो रखनी है, इन दोनों में से किसी को भी हम लोग रख सकते हैं, डेफिनेटली रख सकते हैं। अब हम लोग ने क्या करना है, हम लोग रिड्यूस टेबल करने की कोशिश करते हैं, हम टेबल रिड्यूस इसमें कर सकते हैं। कैसे, हम लोगों ने क्या करना है, हैज के टेबल में हम लोगों ने कहा है कि हम लोग प्राइमरी की कहते हैं, इधर कंट्री आईडी हम लोग प्राइमरी की यहाँ पे यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, आप इस टेबल को, हैज के टेबल को उठा के कनेक्ट कर देंगे कंट्री के टेबल के साथ। कैसे, यहाँ भी कंट्री आईडी है और कंट्री के टेबल में भी कंट्री आईडी है, वहां C1, C2, C3 है, यहाँ भी C1, C2, C3 है। तो ये टेबल हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा, दोनों मिक्स होके वन हो जाएंगे, और प्रेसिडेंट आईडी भी हमारे पास यहाँ आ जाएगी। जैसे ये देखिए, कंट्री का टेबल और प्रेसिडेंट का टेबल हम लोगों ने टेबल रिड्यूस कर लिए। कैसे, अब हमारे पास जो कंट्री की आईडी है वो यहाँ पे क्या कम कर रही है, C1, C2, C3, और कंट्री का नेम है और प्रेसिडेंट का नेम है। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है जी, रिलेशनशिप दोनों टेबल्स का है, यस। कैसे, एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप है थ्रू फॉरेन की, ठीक है। कंट्री में के टेबल में प्रेसिडेंट की जो है, प्रेसिडेंट के टेबल की जो प्राइमरी की वजह फॉरेन की काम कर रही है, तो इन दोनों का रिलेशनशिप भी हो गया। और कंट्री के टेबल से हमें ये भी शो हो रहा है कि कंट्री की जो आईडी है C1, उसका नेम है पाकिस्तान, उसका प्रेसिडेंट है P1। P1 हम प्रेसिडेंट के टेबल में जाके देखेंगे, मींस आरिफ एलवी। इसी तरह हमारा ये 1:1 का रिलेशनशिप कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास है जी 1:2 रिलेशनशिप। 1:2 रिलेशनशिप मींस के एक कॉलेज है, उसके कहीं डिपार्टमेंट हो सकते हैं, एक कॉलेज में कहीं डिपार्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट का एक ही कॉलेज हो सकता है, ठीक है। एक स्टेट की काफी सिटी हो सकती हैं, ठीक है, एक स्टेट में एक स्टेट की एक ही एक सॉरी एक स्टेट में काफी सिटी हो सकती है,
और एक सिटी डेफिनेटली एक स्टेट की होगी। इसी तरह कस्टमर, एक कस्टमर काफी ऑर्डर्स कर सकता है और एक ऑर्डर जो है एक ही कस्टमर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे टेबल में कन्वर्ट करें तो कैसे कर सकते हैं, कस्टमर ऑर्डर की एग्जांपल लेते हैं। कस्टमर के टेबल में है हमारे पास कस्टमर की आईडी, कस्टमर के नेम। ऑर्डर में हमारे पास, ऑर्डर के टेबल में हमारे पास तीन ही एट्रीब्यूट्स हैं, ऑर्डर आईडी, आइटम और कॉस्ट। कस्टमर के टेबल में हमारे पास प्राइमरी की है कस्टमर आईडी, ऑर्डर के टेबल में हमारे पास आईडी है ऑर्डर आईडी, प्राइमरी की है। फिर हमारे पास जो रिलेशनशिप टेबल बनेगा वो गिफ्ट्स का बनेगा, जिसमें दो एंटिटीज, दो जो है वो मैंडेटरी है एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से, कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी एज अ फॉरन की काम करेंगे। ये मैंडेटरी होता है रिलेशनशिप के टेबल में, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप क्या है, वन टू मैनी, ठीक है। और गिफ्ट्स के टेबल की एक हम लोगों ने खुद से एट्रीब्यूट्स रख दिया है, डेट, ठीक है, कौन से कस्टमर कौन सी डेट को ऑर्डर करेगा। तो ये जो रिलेशनशिप के टेबल के एट्रीब्यूट्स होता है उसको जो हम लोग नाम देते हैं वो कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट उसका नाम होता है, ठीक है। जो रिलेशनशिप के टेबल के एट्रीब्यूट होता है उसका डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट नाम हम लोग रखते हैं, ठीक है। अब क्या होना है जी, अब हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, अब हमारे पास क्या है जी, एक कस्टमर है और ऑर्डर है। एक कस्टमर काफी ऑर्डर्स कर सकता है और एक ऑर्डर एक ही कस्टमर कर सकता है, हमारा ये रिलेशनशिप है। अब कस्टमर के आईडी में देखें, सी वन ऑर्डर कर रहा है 101, सी टू ऑर्डर कर रहा है 02, सी टू ऑर्डर कर रहा है 03 और सी टू ऑर्डर कर रहा है 04। इसका मतलब है कि एक कस्टमर सी वन 01 भी ऑर्डर कर रहा है, C102 भी ऑर्डर कर रहा है। एक कस्टमर दो ऑर्डर्स भी कर सकता है, दो से ज्यादा भी, लेकिन एक ऑर्डर 01 जो है एक ही कस्टमर करेगा C1, ठीक है। इससे इसका मतलब है कि हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक बना है, वन टू मैनी। और अब हम लोगों ने क्या करना है कि पहली चीज, इस टेबल की कोई प्राइमरी की हो सकती है, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है प्राइमरी की कौन सी होगी। इसमें कस्टमर की सबसे पहले हम लोगों ने आईडी देखनी है, जो कस्टमर की आईडी है वो क्या रिपीट हो रही है उसकी वैल्यू गिफ्ट्स की टेबल में, C1, C1, C2, C2, yes, ये प्राइमरी की नहीं हो सकती। ऑर्डर की देखते हैं, ऑर्डर के टेबल में, सॉरी गिफ्ट्स के टेबल में जो ऑर्डर आईडी है वो रिपीट हो रही है, नहीं हो रही, 01 02 03 04, इसका मतलब हम इसे यहाँ पे प्राइमरी की कह सकते हैं, ठीक है। और डेट, अब प्राइमरी की हमारे पास होगी, अब इसे हम कैंडिडेट की कहते हैं। और अब हम क्या करेंगे, रिड्यूस टेबल, क्या हम रिड्यूस टेबल कर सकते हैं, यस, हमारे जो प्राइमरी की है वो ऑर्डर आईडी है, हम इस टेबल को उठा के ऑर्डर के टेबल में मर्ज कर सकते हैं। ऑर्डर के टेबल में मर्ज कैसे करेंगे, यहाँ पे भी ऑर्डर की आईडी है, वहां पे भी ऑर्डर की आईडी है, ऑर्डर की आईडी एक हो जाएगी, आइटम हो जाएगा, कॉस्ट, डेट और कस्टमर आईडी हो सकती है, कैसे, ये हमारे पास फाइनल जो ऑर्डर का टेबल जो है, हमारे पास अब दो टेबल आ गए हैं यहाँ भी, एक हमारे पास टेबल आ गया कस्टमर का एज इट इज, एक ऑर्डर का, ऑर्डर की आईडी, आइटम, कॉस्ट, डेट और कस्टमर की आईडी। अब यहाँ पे बिल्कुल शो हो रहे हैं कि एक कस्टमर दो ऑर्डर्स करवा सकते हैं, जैसे C1 C1 01 02 दो ऑर्डर्स ने करवाए हैं और एक ऑर्डर एक ही कस्टमर करवा सकते हैं 01 और C1, ठीक है। यहाँ हमारा जो रिलेशनशिप है बिल्कुल शो हो रहा है और हम लोगों की जो यहाँ पे कस्टमर आईडी है वो एज अ फॉरन की काम कर रही है और दोनों का रिलेशनशिप भी हमारा बन गया है, ठीक है। द थर्ड बाइनरी रिलेशन इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या है जी, स्टूडेंट स्टडी करता है मैनी कोर्सेस एट अ टाइम, एक स्टूडेंट मैनी कोर्सेस ले सकता है, पढ़ सकता है और एक कोर्स को मैनी स्टूडेंट ले सकते हैं, ठीक है, स्टडी कर सकते हैं। एक एम्प्लॉय मैनी स्किल लर्न कर सकते हैं और इस स्किल को मैनी एम्प्लॉयज रन कर सकते हैं, लर्न, सॉरी। रीडर, एक रीडर बहुत सारी बुक्स रीड कर सकता है और एक बुक को बहुत सारे रीडर रीड कर सकते हैं। अब हम टेबल्स में जाते हैं, टेबल्स में हम लोग किस तरह इसको शो करवाएंगे,
एक स्टूडेंट है और एक कोर्स है। एक स्टूडेंट कोर्स आ गया। अब हम लोगों ने क्या देखना है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे हो सकता है। स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया, कोर्स का टेबल क्रिएट किया, ये हम लोग फर्स्ट वाली ले रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट का आईडी ले लिया, उसका प्राइमरी की उसकी ले ली स्टूडेंट आईडी जो है, स्टूडेंट नेम ले लिया, इसी तरह कोर्स में कोर्स आईडी ले ली और कोर्स नेम ले लिया। कोर्स आईडी हम लोगों ने प्राइमरी की ले ली और कोर्स नेम केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स बायोलॉजी, ठीक है। रिलेशनशिप का टेबल हमारे पास स्टडीज बन रहा है। स्टडीज में हम लोगों ने दो जो मेन इंपॉर्टेंट वो मैंडेटरी होती हैं, वो फॉरेन कीज होती हैं, जो स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी है, वो हम लोगों ने। अब जो हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशनशिप है वो क्या है, मेनी टू मेनी, ठीक है। अब हम लोगों ने S1 C1, एक स्टूडेंट मेनी कोर्स ले सकता है और एक कोर्स को मेनी स्टूडेंट्स ले सकते हैं, कैसे देखिए। S1 C1 भी पढ़ सकता है, S1 अब मैंने यहाँ C1 C1 दो दफा लिखा हुआ, ठीक है। इसका हम यूं भी कर सकते हैं कि S1 C1 भी पढ़ सकता है, फिर नेक्स्ट लाइन पे S1 C2 भी पढ़ सकता है, ठीक है। C2 को S2 भी पढ़ सकता है, S2 C3 भी पढ़ सकता है, ठीक है। C3 को S1 भी पढ़ सकता है, S3 जो है C3 भी पढ़ सकता है, C1 भी पढ़ सकता है, C2 भी पढ़ सकता है, और C2 को S3 भी पढ़ सकती है, ठीक है, पढ़ सकता है जो बेस्ट स्टूडेंट स्टडी करेंगे। तो ये मर्ज है, ठीक है। जो स्टूडेंट आईडी है वो एट अ टाइम ज्यादा कोर्सेज भी पढ़ सकती है, और जो कोर्स आईडी है वो कोर्स है वो एट अ टाइम बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। और हम लोग इसे क्या, हम लोग इसे कर सकते हैं, टेबल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। इस टेबल की स्टडीज के टेबल की प्राइमरी की क्या होगी, दो चीजें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी की क्या होगी। स्टूडेंट आईडी में जो है वैल्यू वो रिपीट हो रही है, यस। कोर्स आईडी में रिपीट हो रही है, यस। तो हम प्राइमरी की क्या लेंगे, टेबल को रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि प्राइमरी की नहीं। अगर दोनों टेबल्स की कोई भी प्राइमरी की हमारे पास होती, वो सॉरी कोई भी वैल्यू रिपीट ना होती, तो हम उस टेबल के साथ मर्ज करके एक टेबल कर देते। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। अब हम लोगों ने इस टेबल में क्या करना है जी, कोई टेबल रिड्यूस नहीं कर सकते और हम लोगों को एक प्राइमरी की भी चाहिए, इसीलिए हम लोग स्टडी के टेबल की मीन स्टूडेंट कोर्स के टेबल की एक प्राइमरी की बना लेंगे, स्टूडेंट कोर्स आईडी, ठीक है। और इसी तरह स्टूडेंट आईडी आ जाएगी और कोर्स आईडी आ जाएगी, ठीक है। ये हम टेबल बनाते हैं जब दो टेबल दो एंटिटीज के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो, तो हम एक एंटिटी बनाते हैं एज एसोसिएटिव एंटिटी। इसी तरह उनका जब हम टेबल बनाते हैं, जब दो टेबल्स आपस में मैनी टू मैनी रिलेशन के दरमियान हो, तो हम एक और टेबल क्रिएट करते हैं, रिलेशन का टेबल। इसके बाद अब हमारी बाइनरी रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। अब हम यूनरी रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। यूनरी रिलेशनशिप क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द इंस्टेंसेस ऑफ सेम एंटिटी टाइप, इट इज आल्सो नोन एज रिकर्सिव रिलेशनशिप। यूनरी रिलेशनशिप होता है एक एंटिटी का विद इटसेल्फ रिलेशनशिप, ठीक है। जैसा टीचर है, वर्क विद टीचर, एक टीचर काम कर सकती है मेनी टीचर्स के साथ। अच्छा, इसमें जो रिलेशनशिप होता है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हम कह सकते हैं, वो वन टू मैनी आता है। कैसे, एक टीचर वर्क विद मैनी टीचर के साथ कर सकती है, एक पर्सन लिव्स विद मैनी पर्सन के साथ रह सकता है, ठीक है। अब टीचर, अब हम अगर टेबल क्रिएट करें तो कैसे करेंगे, ठीक है। टीचर है, टीचर आईडी, टीचर नेम मैंने लिख दिया। अब टीचर का मैंने एक टेबल क्रिएट किया, और उसके बाद मैंने रिलेशनशिप का एक टेबल क्रिएट करना है। मैंने रिलेशनशिप का वर्क विद का टेबल क्या क्रिएट किया, उसमें क्या होती हैं, फॉरेन कीज काम करती हैं। वो फॉरेन कीज कौन से होंगे, ये एक टीचर के टेबल की टीचर आईडी, और एक हम लोगों ने जो टीचर वर्क विद मैनी, जो मैनी टीचर्स है ना, वो वाले टीचर की आईडी, ठीक है, वर्क विद मैनी टीचर। अब रिलेशनशिप क्या है, वन टू मैनी, क्योंकि वन टीचर वर्क विद मैनी टीचर हम कह सकते हैं। तो टीचर आईडी T1 T2 T3 T4 T5 T6, और टीचर की वर्क विद मैनी टीचर होंगे उसमें हम कह सकते हैं T1 T1 teacher work with many teacher। इसी तरह हम कह सकते हैं T3 T4 1 teacher work with many teacher। अब हम लोग कह सकते हैं कि जो reduce table कर सकते हैं, yes। कैसे, क्योंकि teacher id जो है work with जो relation table है
उसमें क्या है कि टीचर की आईडी रिपीट नहीं हो रही, तो हम इस टेबल को मर्ज कर सकते हैं टीचर के टेबल के साथ, और जो दूसरी टीचर की आईडी है जो रिपीट हो रही है उसको एज अ फॉरेन की हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं। ऐसे एक टेबल बनेगा। यूनरी जो रिलेशनशिप होता है उसमें हमेशा एक टेबल बनता है, टीचर का टेबल बनेगा, टीचर का टेबल बनेगा, टीचर का नाम आएगा और टीचर की आईडी आएगी, ठीक है। टी वन काम करेगी टी वन के साथ और टी टू भी काम करेगी टी वन के साथ। इसका मतलब टी वन जो है वो दो टीचर्स के साथ काम करेगी, टी टू काम करेगी टी थ्री के साथ, टी टू काम करेगी टी फोर के साथ भी, एक टीचर्स मैनी टीचर्स के साथ काम कर सकती हैं, ठीक है। यूनिटी रिलेशन में एक ही टेबल बनता है, और जो वर्क विथ मैनी टीचर हैं फिर हम उसको फॉरन की इसमें ले लेते हैं, ठीक है। आई थिंक सो आपको समझ आई आ गई होगी। अब हमारा रह गया जी तीन टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अब टर्नरी रिलेशनशिप क्या होता है, एग्जिस्ट बिटवीन तीन एंटिटीज के दरमियान ये एग्जिस्ट करता है, जैसे हमारे पास है टीचर, स्टूडेंट और क्लास, तीन एंटिटीज है, इनका रिलेशनशिप हम लोगों ने कैसे बनाया है। टीचर जो है टर्नरी रिलेशनशिप, जो टीचर्स है टीच रिलेशनशिप इनके दरमियान क्रिएट हुआ है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ternary relationship teach can be read as many teachers may teach many classes with many students, many teachers may teach many classes with many students। इसी तरह हम कह सकते हैं कि work जो है analyst program और project के दरमियान जो relationship create हुआ है वो work है। हम कह सकते हैं कि work can be read as one or many analyst with one or more programmer, one or more analyst with one or many programmer work with one or more project, ठीक है। अब हम अगर इसमें tables में इनका create करें तो कैसे कर सकते हैं, in SQL, teacher है, student है, class है, ठीक है। पहली वाली मैंने example लिया, उसको table में convert किया, teacher है, student है, class है, ठीक है। एक टीचर है और स्टूडेंट है, क्लास, उनका मैंने टेबल्स बनाए, उनके एट्रीब्यूट्स दिए, उनके एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज, उनके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज दी हैं, ठीक है। टीचर के टेबल में मैंने टीचर आईडी, टीचर नेम लिखा है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम लिखा है, और क्लास में मैंने क्लास आईडी, सब्जेक्ट दिया। अब इसमें जो रिलेशन का जो टेबल है वो है टीच का, टीच का टेबल बनाया, उसमें तीन काम तो जरूर होंगे, कौन कौन से तीन काम तो जरूर होंगे, वो कौन कौन से हमारे पास होंगे, एज अ फॉरन की काम करेंगे जो मैंडेटरी होते हैं, टीचर आईडी, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, ठीक है। अब हम लोगों ने सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि कोई जो फॉरन की है वो रिपीट तो नहीं, क्योंकि हम लोगों ने दो चीजें देखनी होती है, एक रिलेशनशिप की प्राइमरी की और टेबल रिड्यूस करने की कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। टीचर की जो आईडी है उसमें वैल्यू रिपीट हो रही है, यस। स्टूडेंट के आईडी की यस, कोर्स के आईडी की यस, क्लास सॉरी क्लास की आईडी की यस। अब हम इसमें प्राइमरी की नहीं रख सकते, हाँ सॉरी, हम इन टेबल रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी फॉरेन की वैल्यू जो है वो ऐसी नहीं है जो रिपीट ना हो रही हो, ठीक है। अब हम लोग टेबल रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप, टर्नरी रिलेशनशिप में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप आ रहा है तीन एंटिटीज के दरमियान। तो मैंने क्या था कि आपको जब दो टेबल्स के दरमियान आता है तो एक टेबल बनता है रिलेशनशिप का टेबल, इसी तरह जब टर्नरी रिलेशनशिप मीन्स तीन टेबल्स के दरमियान भी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बनेगा तो एक टेबल उनके रिलेशनशिप का जरूर बनेगा, ठीक है, एज एसोसिएटिव एंटिटी। और ये ठीक है, वहां हम लोग क्रिएट करते हैं, एंड जब तीन एंटिटीज के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप आएगा तो हम एसोसिएटिव एंटिटी क्रिएट करेंगे। अब हम लोग इसमें प्राइमरी की हम लोगों ने देनी होगी कॉम्पोजिट प्राइमरी की, ठीक है। ये अब मैंने क्या टीच की एक आईडी बनाई है, ये सॉरी मैंने टीच की जो आईडी बनाई है यहाँ पे ये मैंने रिपीटेड कर दी है, सॉरी, जो फर्स्ट वाली आईडी है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, वहां पे T1 रिपीट हो रहा है, सॉरी यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे यू होगा T1, T2, T3, T4, T5, T6, और नेक्स्ट में जो टी आईडी है मींस टीचर की आईडी वो रिपीट होगी, स्टूडेंट की आईडी भी रिपीट होगी और क्लास की भी आईडी रिपीट होगी। सॉरी माई मिस्टेक, इधर है मेरी मिस्टेक, आई थिंक सो गाइज आपको समझ आ गया होगा रिलेशनशिप क्या होता है,
और टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप मैंने आपको टेबल्स में बताया कि हम टेबल्स में रिलेशनशिप को कैसे करते हैं, किस रिलेशनशिप का टेबल होता है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि हर जो रिलेशनशिप है डिग्री के डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में रिड्यूस टेबल करने की कोशिश करते हैं कि टेबल्स किसी तरीके से कम हो जाएं। और फिर मैंने आपको बताया था प्राइमरी कीज के बारे में इसमें, और आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।